तो आगरा का पागल खाना याद आता है और उसी से 50 किलोमीटर पहले भरतपुर है और बात करें वहां की प्रसिद्धि की तो एक नाम याद आता है वो है ऋषिकेश पोहिया। उन्हें आमंत्रित करने के लिए कितनी तालियों की जरूरत है मुझे बखूबी पता है, आपको भी पता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज शिक्षक दिवस है, पता तो होगा ही ऑफिशियली, पर मैं अलग से बता देता हूँ कि क्या है। मैं सभी टीचर्स को सादर प्रणाम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी को हंसा सकूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा लंबी कविता तो सुनाने वाला नहीं हूँ, उसका रीजन है कि उसका दुष्परिणाम भी हो गया था पिछली बार। लास्ट टाइम मैंने क्या किया कि सरकारी स्कूल में प्रोग्राम था तो मुख्य अतिथि आए हुए थे, तो मैंने जैसे ही कविता सुनाई मुख्य अतिथि चल बसे। इसका रीजन था कि मुझे खुद नहीं पता मैंने सुनाया क्या था। अब पुलिस आई और पकड़ के ले गई मुझे अदालत में, जज साहब के सामने पेश कर दिया और जज बोला कि भाई तूने हमारे अतिथि को कौन सी कविता सुनाई कि वो चल बसे, अब तो तुझे फांसी होगी और तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे। मैंने कहा जज साहब वो कविता तो मैंने आधी सुनाई थी, पूरी तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ठीक से लेना भाई फोटो, ऐसा मत करना कि ऊपर ऊपर इसी के सिंह नीचे पूजा भक्त, तो फोटो ठीक से। मैंने कहा साहब वो तो मैंने आधी सुनाई थी, पूरी तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो भाई तालियां वालियां बजाते रहना क्योंकि 3-4 साल से मेरी कई कविताएं अधूरी चल रही हैं और अगर ताली नहीं बजाई तो मैं यूज कर दूंगा। तो क्या होता है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स ही ऐसे थे और वो सवाल भी कुछ ऐसे ही पूछते थे। मेरे से सवाल पूछा कि बता लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा लड़की में तो साहब पहले छोरी दिखाओ, मेरे साथ बड़ी हुई तो बड़ी ही की लगा दूंगा और अगर छोटी हुई तो छोटी ही की लगा दूंगा। तो बराबर की हुई तो मात्रा लगाने क्या जरूरत है, क्या करनी जरूरत है। तो है कहाँ का भाई, जमीन ज्यादा चल रहा है भाई साहब। इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि मकान दीवार सूंघ के पता लगा लेता है कि अंदर लड़कियां कितनी है, और मैं तो इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं भैंस का गोबर सूंघ के बता देता हूँ कि भैंस की एज कितनी है। तो हंसी मजाक चलता रहेगा और आपको कुछ बता दूं मैं कि जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उसके घर वालों से बोला कि बधाई हो आपके साथ धोखा हुआ है। भाई साहब तालियां बजा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होगी। बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने बोला बधाई हो आपके साथ धोखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर बोला कि बधाई हो आपके क्या पैदा हुआ है ये बताएंगे हम आपको अगले एपिसोड में। और भाई साहब वो भी अजब की बंदी है, ऐसे ऐसे शो बनाती है कि इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम रखती है पवित्र रिश्ता। अपने यहाँ तो इन चीजों को अवैध संबंध कहते हैं। और भाई साहब एक और गजब का सीरियल है जो 5-10 साल हो गई चलाई आ रहा है, दिया और बाती, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई दिया बाती क्यों रखा, जब इतना नाम लंबा खींचना था तो उसका रख लेते अखंड ज्योति। और उसके एक और सीरियल है उसका है क्या है वो सिया के राम। अभी बेवकूफों को कौन बताएगा कि राम सिया के नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर क्या हुआ कि एक बार हुआ अपने प्रभु देवा का जन्म,
डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बच्चा हिलना डुलना बंद कर देगा तो बताएंगे क्या हुआ है। उसके बाद तो साहब हालत ही खराब हो गई, आधी नर्सरी इधर भाग रही है, आधी नर्सरी इधर भाग रही है। मैंने पूछा एक से पकड़ के कि अरे क्यों भाग रही हो, तो बोली तू भी बगले आसाराम बापू पैदा हो लिया। दरअसल क्या है कि मुझे इन लड़कियों से बहुत आपत्ति है। प्रॉब्लम ये है कि देखो इनको हर जगह नौकरी, अब देखो मैं खुद इंटर्नशिप के लिए जयपुर गया, दर दर घूमा, 42 डिग्री 43 डिग्री था, कहीं किसी ने रखा ही नहीं, पता नहीं शकल में प्रॉब्लम किया और कोई या फिर निर्मल बाबा की कृपा नहीं आ रही थी पता नहीं। तो ऐसा भी लड़कियों से बड़ी प्रॉब्लम है मुझे, क्यों? क्योंकि इनको हर जगह नौकरी मिल जाती है, इंजीनियर है, डॉक्टर, प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन भाई साहब इनको एक जगह नौकरी नहीं मिल सकती है। फायर ब्रिगेड। और उसका रीजन मैं बता दूं, उसका रीजन ये है कि लड़कियों का काम होता है आग लगाना। तो सुनते रहिए मस्ती के साथ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं आदमी की, वो है वाइफ। WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कोई समय नहीं, कोई रात को 1 बजे उठ के लड़वा लो या दिन में 12 बजे, इनका तो कोई फिक्स ही नहीं है। और सुनो दोस्तों, एक और चीज बता दूं मैं आपके लिए कि देश में बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार ये बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे नजरों में दो सबसे मेन समस्या ये है कि एक तो 20 साल से पार्लर वाला लड़का बड़ा नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज ये है कि वो NBH वाला बुड्ढा नहीं मर रहा है। 50 साल हो गए पता नहीं, अब मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो उसे चला जाना चाहिए। तो भाई साहब क्या हुआ कि एक बार मेरे दोस्त थे आशीष जी और मैं था, और वो NBH वाला बुड्ढा था, हम जा रहे थे, रास्ते में भगवान आ गए। भगवान मेरे से आके बोले कि बेटा तुझे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा भगवान क्यों, अभी तो मेरे खेलने खाने के लिए। बोले नहीं करनी तो पड़ेगी। मैंने ठीक है भगवान, अब आप कह रहे तो कर लेते हैं। भगवान मेरे लिए 80 साल की बुड्ढी ले आए और मेरे सामने वो लाके बोले कि चल शादी कर। मैंने कहा भगवान ये क्या है, ये तो न्याय है। तो बोले तुझे तो करनी पड़ेगी, भगवान कह रहे हैं। मैंने ठीक है साहब कर लेते हैं। उसके बाद आशीष जी का नंबर आया, 85 साल की बूढ़ी लाख खड़ी कर ली। आशीष जी बोले भगवान ये क्या बात हुई मेरे से, इससे 5 ज्यादा। बोले तुझे इससे शादी करनी होगी कैसे भी। उसके बाद नंबर आया MBH वाले बुड्ढे का। MBH वाले बुड्ढे के सामने 21 साल की कैटरीना कैफ की सोई लाख खड़ी कर दी। अब भगवान वो बोला आशीष और मैं बोले कि भगवान ये कैसा न्याय है, इस बुड्ढे ने कौन सा पुण्य किया था जो उसे आप 21 साल की छोरी लाए। बोले इसने कोई पुण्य वुण्य नहीं किया, वो तो इस छोरी ने कबूतर मार दिया था बचपन में। तो मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ